हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर है ये ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल के बारे में है ये चैप्टर। 6.2 एक्सरसाइज से पहले ये ट्राई डीज है, इसे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ मेजर 25 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है और उसके इंटीरियर एंगल्स दो है, उनमें से एक इंटीरियर एंगल, जो दो अंदर के इंटीरियर एंगल्स है उनमें से एक इंटीरियर एंगल 25 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें जो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो गेट करना है। इसको करने के लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि इसकी फिगर बनानी चाहिए। ये है ट्राई दीज ऑन पेज 118 एक्सरसाइज 6.2 से जस्ट पहले है। तो पहले फिगर बना लेते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, एक साइड को बढ़ा देंगे, दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनाएगी ये बढ़ी हुई साइड वो एक्सटीरियर एंगल। ये हमें गिवन है 70 डिग्री और इसके साथ जो अंदर का इंटीरियर एंगल बन रहा है वो ये है। इन दोनों को, इसको छोड़ करके बाकी के जो दो एंगल है वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, उनमें से एक एंगल 25 डिग्री दे रखा है और ये हमें पता करना है। इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द फिगर बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 70 डिग्री इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस 25 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक्स इजल टू 70, 25 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 2 4, 45 डिग्री। तो जो दूसरा एंगल है, हैंस द अदर इंटीरियर एंगल इजिकल टू 45 डिग्री। एक 25 डिग्री दे रखा था, दूसरा हमें निकालना था, वो 45 डिग्री आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है देखिए, द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल है और वो अपोजिट है एक एक्सटीरियर एंगल के, ट्रायंगल के अंदर वो 60 डिग्री एंड 80 डिग्री है। ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इंटीरियर के 60 एंड 80 है, हमें वो एक्सटीरियर एंगल निकालना है। फिगर बना लेते हैं। मान लिया कि ये वो एक्सटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हमें दो दे रखे थे 60 एंड 80 है, ठीक है। गिवन टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स इजल टू 60 प्लस 80,
140 डिग्री, हेंस एक्सटीरियर एंगल वो हुआ 140 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशन थ्री, क्वेश्चन में क्या देखिए, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम फिगर 6.12, क्या इस फिगर में कुछ गलती है, कमेंट कीजिए। हाँ जी गलती है, क्या गलती है देखिए, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिफ्टी डिग्री है, ये है बाहर का, इसे नाम एंगल वन देते हैं, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री होना चाहिए। ठीक है, ये वन टू थ्री, अब एंगल टू प्लस एंगल थ्री फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड डिग्री है, जो कि 50 के बराबर नहीं है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर नहीं है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग होल्ड, हेल्ड हेयर इज नॉट बीइंग हेल्ड, नहीं रखी जा रही यहाँ पर, सो द डायग्राम इज रोंग, डायग्राम क्या है, रोंग है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर हेल्ड ही नहीं हो रही। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड फॉल्स हेयर विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसमें कमी है। ठीक है, समझ में आया, ये सॉल्यूशन थ्री था। Bye.